ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਕੀ ਭਾਰਤ 2046 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦੇਸ਼ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਟਨ ਗਊ ਮਾਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆਇਆ ਤੋ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਆ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੇ ਨੀਚੇ 1500 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਤੇ ਹੈ। ਵੋ तो अंग्रेज कह रहे हैं कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे। तो ये आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई है, हमने ली नहीं है, क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्ला का, तात्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का, ये लोग थे, लोकमान्य तिलक का। ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़ कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनेंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे। मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है, जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं। ये है समझौता, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में। कुछ हिस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है, लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंट बेटन। तो माउंट बेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स, 99 साल की लीज पर है आपका देश। 99 साल जिस दिन पूरे हो जाए अंग्रेजों की औकात है कि वो आपसे वापस ले सकते। और चूंकि ये लीज का सारा खेल है, इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए, वैसे के वैसे ही सब सारे कानून वैसे। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, आईपीसी इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का, सीआरपीसी अंग्रेजों का, सीपीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का,
इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, सब कुछ उनका बनाया हुआ है और आज तक उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इसको बदला नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इंग्लैंड की महारानी कभी भी हिंदुस्तान आए तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है, क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी है। इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता है, यूरोप में बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन उठा के भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं, तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए।